हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम रीट 2022 लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला सबसे हमारा टॉपिक है लिंकिंग डिवाइसेस। तो लिंकिंग डिवाइसेस में नेक्स्ट हम आज कर रहे हैं। लिंकिंग डिवाइसेस में आगे जो है वो आज हमने कनेक्टिव लिया है सो देयर फॉर। सो और देयर फॉर, देखो आप, सो और देयर फॉर इसका कंजक्शन के रूप में मीनिंग होता है इसलिए। अगर हम कंजक्शन के रूप में इसका अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसलिए के अर्थ में। अब इसलिए देखो, सो तथा देयर फॉर का प्रयोग जिस कारण से, इसलिए, परिणाम स्वरूप के अर्थ में होता है। सो देयर फॉर का प्रयोग जिस कारण से, इसलिए, परिणाम स्वरूप के अर्थ में होता है। मतलब जहाँ भी कंजक्शन के रूप में सो और देयर फॉर आएगा तो उस सेंटेंस में क्या मीनिंग निकलेगा सो और देयर फॉर का, जिस कारण से, इसलिए या परिणाम स्वरूप। और सो और देयर फॉर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों अपने आप में सिमिलर हैं कंजक्शन के रूप में। देखो पहला फॉर एग्जाम्पल, देखो राकेश वॉज गिल्टी, राकेश वॉज गिल्टी सो, या फिर हम यहाँ लगा सकते हैं देयर फॉर। राकेश वॉज गिल्टी सो, या फिर देयर फॉर ही वॉज पनिश्ड। राकेश क्या था, गिल्टी था, गिल्टी मतलब अपराधी था, मतलब उसकी गलती थी, इसलिए ही वॉज पनिश्ड, इसलिए उसको क्या किया गया, सजा दी गई। पनिश मतलब सजा देना, तो राकेश वॉज गिल्टी सो ऑब्लिक देयर फॉर ही वॉज पनिश्ड। राकेश अपराधी था इसलिए उसको क्या दी गई, सजा। तो देखो ये जो सो और देयर फॉर कनेक्टिव के रूप में इसमें आया है, इसका मीनिंग क्या निकला, जिस कारण से सजा क्यों दी गई, जिस कारण से, क्योंकि वो क्या था, गिल्टी था, अपराधी था, उसकी गलती थी। इसका मीनिंग जिस कारण से, इसलिए या परिणाम स्वरूप, तीनों में से कोई सा भी निकालेंगे तो उसका सही मीनिंग निकलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है निशा वर्कड हार्ड, निशा वर्क हार्ड, निशा ने क्या किया, कठिन परिश्रम किया सो या देयर फॉर, सो या देयर फॉर सी सक्सीडेड, इसलिए वो क्या हुई, सफल हुई। देखो एक वर्ब होता है सक्सेस, क्या होता है सक्सेस, ये होता है जो, ये तो होता है नाउन, मतलब सक्सेस जो वर्ब वर्ड है ये क्या है, नाउन है। और सक्सेस की जो वर्ब होती है वो क्या होता है, सक्सीड, क्या होता है, सक्सीड। और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है सक्सीडेड। तो देखो निशा वर्क हार्ड सो सी सक्सीडेड, निशा ने कठिन परिश्रम किया परिणाम स्वरूप वह सफल हुई। नेक्स्ट ये हो गया सो और देयर फॉर कंजक्शन। नेक्स्ट कंजक्शन है बट, कंजक्शन लिंकिंग डिवाइसेस सेम है। बट का प्रयोग देखो, बट के क्या मीनिंग होते हैं, बट का प्रयोग लेकिन, किंतु, परंतु, आपने गाना सुन ही रखा है लेकिन किंतु परंतु। तो देखो ये बट जो कंजक्शन है इसके क्या मीनिंग होते हैं, लेकिन किंतु परंतु। तो लेकिन किंतु परंतु के अर्थ में बट का कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है। देखिए ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग, वो क्या है, कठिन परिश्रमी है बट नॉट इंटेलिजेंट, वो क्या है, मेहनत तो बहुत करता है बट नॉट इंटेलिजेंट, परंतु बुद्धिमान नहीं है। तो देखो आपस में दो चीज़ों को विपरीत अर्थ के लिए बताया गया है कि ही इज हार्ड वर्किंग बट नॉट इंटेलिजेंट, तो ये बट जो है इसका क्या मीनिंग है, लेकिन किंतु परंतु, तीनों में से कोई सा हो सकता है। सेकंड है राहुल इज गुड, राहुल क्या है, गुड है मतलब अच्छा है बट नॉट ऑनेस्ट, परंतु ईमानदार नहीं है। अच्छा होने के उसके अंदर अच्छाइयाँ बहुत सारी हो सकती है, परंतु उसके अंदर एक डिमेरिट भी है, क्या है, वो ऑनेस्ट नहीं है। तो राहुल इज गुड बट नॉट ऑनेस्ट, तो ये बट कंजक्शन हो गया। आगे चलते हैं बिकॉज, बिकॉज का प्रयोग आप सभी जानते हैं, बिकॉज जो है एक बिकॉज ऑफ होता है और प्रीपोजिशन भी होता है, हम बात कर रहे हैं केवल बिकॉज की। बिकॉज क्या है, कंजक्शन के रूप में है। बिकॉज का प्रयोग मुख्य या प्रधान कारण, बिकॉज का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है, क्योंकि, बिकॉज का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि। तो इसका प्रयोग जब करते हैं तो मुख्य या प्रधान कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए क्योंकि के अर्थ में कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिकॉज का प्रयोग मुख्य या प्रधान कारण, सेंटेंस में कोई ऐसी बात कही गई है जिसका कोई मुख्य कारण है
तो उसके भाव को व्यक्त करने के लिए क्योंकि के अर्थ में, किसके अर्थ में, क्योंकि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं FOR4 का मतलब के लिए होता है, परंतु 4 भी आपने प्रीपोजिशन में देखा होगा, 4 का मतलब भी क्या निकलता है, क्योंकि, परंतु हम बात कर रहे हैं बिकॉज की और कंजक्शन के रूप में। तो बिकॉज का प्रयोग मुख्य प्रधान कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए क्योंकि के अर्थ में होता है। नेक्स्ट, इसमें फॉर एग्जाम्पल है मुकेश इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, मुकेश कक्षा में उपस्थित नहीं है, बिकॉज ही इज इल। मुकेश कक्षा में उपस्थित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वह क्या है, बीमार है। तो उपस्थित नहीं होने का प्रधान या मुख्य कारण क्या है, बीमार होना। तो देखो ये जो कारण होता है उसके जस्ट पहले कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, कौन से का, बिकॉज का। तो देखो क्या सेंटेंस बन गया, मुकेश इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास बिकॉज ही इज इल, मुकेश कक्षा में उपस्थित नहीं है, इसका कारण क्या है, क्योंकि वह बीमार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वर अरेस्टेड बाय SOG। देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, दे वर अरेस्टेड बाय SOG, उनको SOG द्वारा गिरफ्तार किया गया। SOG अभी बहुत प्रचलन में है, आप जानते हैं SOG का मतलब क्या होता है, स्पेशियल ऑपरेशन ग्रुप। SOG मीन्स स्पेशियल ऑपरेशन ग्रुप, विशेष जांच दल। तो दे वर अरेस्टेड बाय SOG बिकॉज, उनको SOG द्वारा अरेस्ट किया गया, क्यों, बिकॉज दे वर गिल्टी, वो क्या थे, अपराधी थे, उन्होंने क्या करी थी, गलती करी थी, जो काम नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, इसलिए क्या किया गया उनको, दे वर अरेस्टेड बाय SOG बिकॉज दे वर गिल्टी। तो देखिए आप, अभी हमने अभी पढ़ा है कौन सा कंजक्शन पढ़ा है, एक तो सो और दियर फोर, दोनों का मीनिंग सेम है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, जिस कारण से, परिणाम स्वरूप या इसलिए। आगे है बट, बट का, बट के तीन मीनिंग होते हैं, लेकिन किंतु परंतु, तो इस अर्थ में इनका प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया जाता है। आगे है बिकॉज, और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, और ये बिकॉज कंजक्शन का प्रयोग कब करते हैं, कोई भी मुख्य या प्रधान कारण हो उसके भाव को व्यक्त करने के लिए हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम 14 नंबर पे आगे पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास कंजक्शन है व्हेन। देखिए WHEN, व्हेन, इसको व्हेन बोला जाता है और इसके सब जगह अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। अभी हम कंजक्शन पढ़ रहे हैं तो व्हेन का अर्थ क्या होगा, जब, व्हेन का क्या अर्थ होगा, जब, मतलब व्हेन को कंजक्शन के रूप में पढ़ रहे हैं अपन। तो व्हेन का प्रयोग किस तरीके से होगा, व्हेन का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किसी कार्य के समाप्त होने के फलस्वरूप, व्हेन का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किसी कार्य के समाप्त होने के फलस्वरूप दूसरा कार्य हो, मान लो दो काम हैं, एक काम जैसे पहले पूरा हुआ उसके होते कोई दूसरा काम शुरू होता है, तो उस अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, व्हेन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए आप, यह एग्जांपल लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूडेंट्स जो थे वो क्या हो गए, स्टूड अप, खड़े हो गए। व्हेन द टीचर केम, जब अध्यापक जी आए। तो देखो ये कह रहा है कि व्हेन का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किसी कार्य के समाप्त होने पर, ये काम जो है ना, ये आने का जो काम है, ये आने का काम पूरा होते ही तुरंत दूसरा काम शुरू हो गया। व्हेन का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किसी कार्य के समाप्त होने के फलस्वरूप दूसरा एक्शन, मतलब वो जो दूसरा एक्शन होता है वो पहले कार्य पर डिपेंड होता है। जैसे ही टीचर आए तो आते ही स्टूडेंट्स क्या हो गए, खड़े हो गए, जैसा स्वाभाविक है, क्लास में जैसे ही टीचर आते हैं तो बच्चे सब खड़े हो जाते हैं, स्टूडेंट्स। सेकंड सेंटेंस है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, मतलब मैं जैसे ही स्टेशन पहुंच गया, प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया, द ट्रेन स्टार्टेड, तो मेरे पहुंचते ही तुरंत ट्रेन क्या हो गई, स्टार्ट। हालांकि ऐसा नहीं है भाई, उनके पहुंचने के बाद ही स्टार्ट होती, पर ऐसी इंसिडेंट हुई कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। तो देखो व्हेन का प्रयोग कब करते हैं, आपके समझ में आया होगा, व्हेन का प्रयोग जब के अर्थ में होता है कंजक्शन के रूप में, जब दो कार्य होते हैं, एक कार्य के समाप्त होती जब दूसरा कार्य शुरू होता है, तो हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। देखो
15 नंबर पे है वाइल, WHILE, वाइल, वाइल मतलब जब। अब इसका एक और मीनिंग होता है जबकि भी होता है, जबकि। वाइल जब का प्रयोग कंजक्शन के रूप में, वाइल को जब हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग लेंगे तो एक ही समय में दो कार्य के साथ साथ होने का बोध कराने के लिए होता है। कोई भी दो कार्य हैं जो एक ही समय में साथ साथ चल रहे हैं, इस बात को बताने के लिए वाइल कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंस, आई वॉज वॉचिंग टीवी। टीवी मतलब टीवी सीरियल, कुछ भी हो सकता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो सकता है, कुछ भी और भी हो सकता है। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, माई मदर वॉज कुकिंग फूड। वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी सीरियल देख रहा था उसी समय, अब देखो टीवी सीरियल देखने का काम भी हो रहा है, उसी समय क्या कर रही है, माई मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी मम्मी खाना बना रही थी। तो देखो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो कोई भी दो कार्य एक ही समय पर साथ साथ होते हैं तो उस बात का बोध कराने के लिए हम वाइल का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा हुआ है वाइल आई वॉज इन पटना, जब मैं पटना में था, मेरी बात बता रहा हूँ, मतलब मैं तो नहीं था, पर ये कह रहा है कि वाइल आई वॉज इन पटना, जब मैं पटना में था, माई बिलव्ड वॉज इन मुंबई, मेरी प्रेमिका कहाँ थी, मुंबई में। तो दोनों काम साथ साथ बताए गए हैं कि मैं तो था पटना और वो थी मुंबई। तो कोई भी दो कार्य उनके सिचुएटेड होने की स्थिति बताई गई है, वे दोनों कहाँ थे। तो वाइल आई वॉज इन पटना, माई बिलव्ड वॉज इन मुंबई। ये हो गया 14, 15। अब आ गया 16। देखो लीएस्ट, LEST, इसको लीएस्ट बोला जाता है, ये कंजक्शन है, इसका प्रयोग अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसमें दो चीज़ों की सावधानी है, वो आपको रखनी है और वही सीखनी है इसमें। देखो लीएस्ट का प्रयोग जो है, जब सेंटेंस में लीएस्ट का प्रयोग होगा तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, ताकि न, क्या मीनिंग निकलेगा, ताकि न, या फिर ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि के अर्थ में लीएस्ट का प्रयोग, ताकि न, या फिर ऐसा न हो कि के अर्थ में होता है कंजक्शन के रूप में। यह निगेटिव मीनिंग रखता है, लीएस्ट जो कंजक्शन है यह अपने आप में कैसा मीनिंग रखता है, निगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए इसके साथ प्रयुक्त क्लोज में नोट नहीं होता है। अपने आप में जब मीनिंग ही निगेटिव है तो उसके साथ क्या नहीं होता है, इसका जो क्लोज होता है, उपवाक्य जो होता है जिसमें ये आता है, तो उस वाक्य में नोट नहीं होता है, परंतु उसका मीनिंग कैसा निकलता है, निगेटिव निकलता है। और लीएस्ट के बाद सुड का प्रयोग होता है, यही बात समझनी अपने को। एक तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जिस वाक्य में लीएस्ट आएगा उसमें नोट नहीं आएगा, और लीएस्ट के बाद वाला जो क्लोज है उसमें क्या आएगा, शुड, शुड क्या है, मॉडल। तो देखो लीएस्ट का प्रयोग ताकि न, ऐसा न हो कि के अर्थ में होता है, और यह नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए इसके साथ प्रयुक्त क्लोज में नोट नहीं होता है, और लीएस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल दो वाक्य लिखे, देखो आप एग्जाम्पल लिखे हुए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए या करो या करना चाहिए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करें, लीएस्ट यू शुड फेल, ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ, कठिन परिश्रम करो, लीएस्ट यू शुड फेल, ऐसा न हो कि, ताकि न, वर्क हार्ड लीएस्ट, कठिन परिश्रम करो ताकि यू शुड फेल, ताकि तुम फेल न हो। देखो मीनिंग है उसमें ऑटोमेटिक, नोट नहीं है पर मीनिंग है। अगला है रन विद केयर, रन का मतलब होता है दौड़ना, दौड़ लगाना, रन विद केयर, सावधानी से दौड़ो, मतलब सावधानी से दौड़ना है, लीएस्ट यू शुड फॉल, ऐसा न हो तुम गिर जाओ, या फॉल, स्लिप भी कह सकते हैं, फिसलना भी कह सकते हैं, ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ या फिसल जाओ। तो देखो लीएस्ट जो है इसका मीनिंग होता है ताकि न, और ऐसा न हो कि के अर्थ में, और ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है। इसमें नोट नहीं होते हुए भी जब वाक्य का मीनिंग पूरा होगा तो उसमें नहीं का भाव आएगा, और इसका साथ जो क्लोज होता है उसमें नोट नहीं होता, ये बात होगी। और लीएस्ट के बाद जो है वो शुड मॉडल का प्रयोग होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे अगर मॉडल में भी ऐसा प्रश्न आता है। बाय द वे सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें लीएस्ट आपको दिख रहा है, बाद में मॉडल फिल करना है, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि इसमें मॉडल कौन सा आएगा, शुड आएगा, और शुड आएगा, इसका मतलब, शुड का मतलब चाहिए होता है, जो यहाँ इसका मतलब चाहिए नहीं निकलेगा, इसका मतलब वही निकलेगा जैसा लीएस्ट का है। तो हमने अभी देखा है व्हेन, व्हाइल और लीएस्ट,
पहले हमने देखा था सो और डियर फोर, उसके बाद हमने किया बट, उसके बाद हमने किया बिकॉज, बिकॉज के बाद हमने किया वैन, और वैन के बाद वाइल, और वाइल के बाद लीएस्ट। हमने अभी तक 16 कंजक्शन को कवर कर लिया है। इसमें आप खुद भी प्रैक्टिस करें, कहीं से आपको कोई एग्जांपल मिलता है जिसको आपको समझने में दिक्कत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और अब मुश्किल से कोई एक दो छूट रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप जितना आपको सिखाया गया है उसकी लर्निंग करें, कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं, पर क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे इसका मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि हमने हमारे कुछ सिखाने में कुछ कमी है, और आप कुछ पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि वास्तव में आपने इसको पढ़ा है और कहीं और जगह से भी आपने सीखने का प्रयास किया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही इनफ है, पर्याप्त है, काफ़ी है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे, इसके जो दो तीन और छूट रहे हैं लिंकिंग डिवाइसेस उसको कवर करेंगे। फिर आपको एग्जामिनेशन में किस तरीके से इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में हम एक दिन एक दो घंटे की अगर हो सके तो लाइव क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे वीडियो तैयार होता है उसी प्रकार से करेंगे। तो आपसे एक फॉर्मली एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल नया क्रिएट किया गया है उससे जुड़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाएं, टेलीग्राम चैनल है सावन सर इंग्लिश के नाम से, ये उसमें कोई स्पेस नहीं है, SAWANSIRENGLISH, ये लिंक है, इस लिंक से आप जुड़ें। उसमें क्या है, जैसे ये क्लास है हमने पढ़ी है तो इसका जो मैटर हमने बोर्ड पर नोट किया है इसको आपको PDF के माध्यम से उसमें उपलब्ध करवाएंगे, और कोई भी जो हमें अच्छा मैटर लगेगा कहीं से भी अगर कोई ऐसी अच्छी सामग्री हमारे पास है तो हम उसका PDF बना के आपको उसमें उपलब्ध करवाएंगे। और एक मुख्य बात, अभी तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सावन सर इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहां हम वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब रेड कलर में ऐसा लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें, प्रेस करें, और उसके जस्ट आगे एक घंटी का चिन्ह बना हुआ है जिसको बेल आइकन कहते हैं, उसको भी प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज की क्लास में इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।